तो सच तो सच होता है, सच एक होता है, झूठ कई होते हैं उसके। I will never fight elections in my life. मैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हम कांग्रेस को मना मना के थक गए। हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। पांच साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे। हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को वो कम से कम इतना पानी तो दे कि वो जिंदा रह सके। दिल्ली में हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर पानी 20 किलो लीटर वाटर या 700 लीटर पानी प्रतिदिन मुफ्त दिया जाए। दिसंबर 2017 तक सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। हमें गंदा पानी मिल रहा है पीने को। ये केजरीवाल ने वोट लेने के लिए तो फ्री फ्री कर दिया, रोजाना 3 गैलन मंगाने पड़ते 40 रुपीज ईच के हिसाब से। सर में पानी डालते हैं तो इतनी गंदी बदबू आती है उससे। आप ये देख सकते हैं सर, ये पानी हम कैसे पिए, ये गंदा पानी, स्मेल आते पानी में। अमित शाह जी लाजपत नगर में आए, लाजपत नगर में स्टेज से बोले कि केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख कोई जॉब करे 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 10 लाख 15 लाख की फिगर का। ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं, उन्हीं से पूछिएगा। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। इस 31 दिसंबर तक 1,000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन के तैयार हो। सत्ता में आने के एक साल के अंदर 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का दावा करने वाली आप सरकार 7 साल में महज 520 मोहल्ला क्लिनिक बना सकी है। अब जमीनी हकीकत की बात करें तो 520 में से आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद है। दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलाई हैं, 12 लाख बच्चों को। आरटीआई हम लगाते हैं, 7 साल में दिल्ली सरकार ने सिर्फ 440 नौकरियां दी, बाकी नौकरियां हैं वो कहां गई। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। इंडियन रेवेन्यू सर्विस ने अपने नोटिस में पूछा है कि आप अपने विज्ञापन में कहते हैं, जब मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था अगर मुझे पैसे कमाने होते तो करोड़ों कमा लेता। पहली बात, आप इनकम टैक्स कमिश्नर कभी नहीं थे। दूसरी बात, क्या आरएस में काम करने वाले लोग भ्रष्टाचारी हैं? वो गलत काम करके करोड़ों कमाते हैं। सारे लोगों ने एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं। इसका तो वीडियो है, दिखाइए, मैं आपको अभी दिखा दूंगा वीडियो। कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों।